जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स ऑन एनवायरमेंट डे, बट वो अब तक जिंदा है या नहीं, उनमें पानी लगाया गया नहीं, नोबडी नोस. हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा मोटिव क्या है. तो चलिए इसी मौके पे हम अपने नन्हे बच्चों को बुलाते हैं जो एक स्टोरी से हमारी आंखें और खोल देंगे. पर इंसानों ने काट दी वृक्षों की डाल, बन गया धरती पर बढ़ता अंधेरा काल. तो आइए हम भी सीख लेते हैं कि हमें भी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए. Yeah.
वाकई खुशी हो रही है। हाँ भाई, खुशी वाली बात ही है। आज हमारे लौंडे का नाम करण चौहान है। क्यों, तुझे जलन हो रही है कि बल्ला मेरा दोस्त है और तेरा नहीं? बिल्कुल हो रही है भाई। कौन तुझे जैसे अच्छे इंसान से दोस्त क्यों नहीं करेगा साला? मुझे तो क्लास के बच्चों की बात ही समझ नहीं आती। अबे साला वाला मत बोल यार, बच्चों की कहानी है। अच्छा, सेंसर बोर्ड का मैटर है। पर तुझे पता है इस लौंडे का बाप? सेंसर बोर्ड मेरे भाई, तुझे पता है बलराम के डैडी जी क्या काम करते हैं? नहीं भाई। अरे हम जैसे पेड़ों में टोटे टोटे देते हैं। टोटे में टोटे? अरे मेरे लाल टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। खुद का गणेश के डैडी जी साला इसकी पाप की तो मैं। अरे लाल सेंसर बोर्ड, लाल सेंसर बोर्ड। अब भाई क्या करे, क्या होगा हमारे साथ? क्या ही होगा, मुझे क्या होगा। वो जब मैं लगा तक से फोटो ही खिंचा, फिर तुम
उसके लाइफ को आता एनवायरमेंट ने बनाता तुझे ही भूल जाता वो बिल्डिंग ये बनाता तुझे ही तक लो आता हवा नहीं कर पाता खुद को मैं जाता तुझे भी सर ले जाता खुद को मैं चलता तुझे भी जला जाता तू महान है दयावान है हम लोगों के लिए तू भगवान है इंसान की जात का और वो ईमान है वो बेईमान है वो बेईमान है अब बेईमान है तो आज फिर से पेड़ कट रहे हैं पेड़ कट रहे हैं आज फिर से कब तक कटते रहेंगे ये पेड़ मैं कहता हूं कब तक कटते रहेंगे ये पेड़ खाकली हो चुकी है ये दुनिया तुम लोगों की वजह से खाकली हो चुकी है दुनिया पेड़ ही जीवन देता है बोला देता है नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ हम जंग जीत चुके हैं हम हैशटैग बदनाम नहीं करेगा की मुहिम हमने जीत ली है हमने आपने हम सब ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है सरकार को चुप चुकी है सरकार जीत चुके हैं हम एक बात बताऊं मैं आपको मेरे पास तो बलराम था इसलिए मैं बच गया लेकिन मेरे और बहुत से भाई हैं जिनकी गर्दन बीच सड़क पर काट दी जाती है और आप लोग क्या करते हैं बस देखते रह जाते हैं उनकी गर्दन कटती रहती है जब इंसान की औलादे इस धरती पर जन्म लेती है तो खूब अच्छे से सेलिब्रेशन होते हैं अरे बर्थडे बढ़ाए जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती है और वही इंसान जब भगवान को प्यारा हो जाते हैं तो अपने साथ दो व्यस्त पेड़ लेके जाते हैं जी हाँ लगभग 2.5 क्विंटल लकड़ी लगते हैं आपके इस क्रियाक्रम में अब ये सब कैलकुलेशन आप क्यों ही करेंगे अरे नाता क्या है आपका इस बात से आपको तो क्या करना है अच्छे फ्लैट बनवाने अच्छे मकान बनवाने इन सब के लिए हमारे भाइयों को काट दिया जाएगा अच्छे फ्लैट अच्छे मकान सुंदर दीवारें गाड़ी बंगले इन सब के आगे हमारी क्या पूछ एक बात बताता हूं आपको शायद आपको यकीन ना हो पता भी नहीं होगा आपको सरकार के द्वारा जब छोटे नन्हे पौधे लगाए जाते हैं उनमें से सोचिए 90% अरे 90% पौधे बच नहीं पाते खैर अंत में जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगा अपने लिए तो अपने बच्चों के लिए सही उनके भविष्य का ध्यान रखिए और उनके नाम का एक पेड़ अवश्य ही लगाइए और उसे ऐसे बड़ा करिए जैसे वो आपका ही बच्चा हो धन्यवाद कैसे छोटा बच्चा एक पेड़ की जान बचाने के लिए क्या क्या करता है क्योंकि वो भी तो जानता है पेड़ भी तो एक आत्मा ही है इस सृष्टि पर हमने इन पेड़ पौधों को जन्म नहीं दिया तो हम कौन होते हैं इन्हें आग बंद करके सिर्फ नष्ट करते जाने वाले वो भी तो सृष्टि पे कुछ समय के लिए ही आए हैं अरे भाई कोई भी इस जीवन में अपनी अपनी लाइफ की रजिस्ट्री कराकर थोड़ी आया है आप में से यहाँ पे कोई बैठा है जो अपने जीवन की रजिस्ट्री कराकर आया हो सब लीज पर ही तो लेके आते हैं हर व्यक्ति इस सृष्टि पे अपना जीवन सिर्फ लीज पर ही लेके आया है कुछ की 60 है कुछ की 50 कुछ की 70 किसी भाग्यशाली की 100 तो भाई खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो भले वो इंसान हो जानवर हो या पेड़ और एक बात और ये हमेशा याद रखना कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको हमें काटना नहीं चाहिए हाँ अगर पेड़ काट कर तुम्हें अपनी ही लीज की जिंदगी कम करनी है तो इसमें तुम्हारा ही नाश है एकदम सही बात है शायद इसी वजह से COVID-19 ने हमें इतना झेलना पड़ा काश बलराम जैसे लोग इस धरती पे और होते हम लोग को सोना चांदी मोह माया में फंस जाते हैं और इस सुनहरी धरती को देखना ही भूल जाते हैं बिल्कुल अपने लोग के लिए पेड़ काटते हैं और इस धरती को नष्ट करते हैं